आवर चैनल लिटरली फूडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ चिकन विद मशरूम्स एंड चीज, जिसके लिए हमें चाहिए मशरूम्स, मोजरेला चीज, ओरिगैनो, रेड चिली पेपर, ब्लैक पेपर, नमक, मैदा, चिकन ब्रेस्ट, बटर, गार्लिक, हरा प्याज एंड ऑयल। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन ब्रेस्ट हमने ले लिया है, ये चिकन ब्रेस्ट को हमने इस तरीके से कट डाले हुए हैं दोनों को। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे। आप इसको ओपन करके इस तरीके से डालेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर डालेंगे दोनों में, इसी तरीके से हम लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे काली मिर्च, इसी तरीके से हम ऊपर लगाएंगे। अगर आपको थोड़ा स्पाइस ज्यादा करना है तो आप रेड पेपर भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ बस। इसको हम मैरिनेट करेंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए, जब तक हम अपनी सॉस रेडी कर लेते हैं। साथ ही हम अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो फ्लेवर देने के लिए और इसको अच्छी तरह से रब कर देंगे। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन के अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ठीक, हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, हम इसके अंदर डालेंगे बटर। बटर आप ले सकते हैं 2 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। बटर हमारा मेल्ट हो गया, अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गार्लिक डालूंगी और इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। गार्लिक हमारा थोड़ा सा हो गया है सोते, अब मैं इसके अंदर मशरूम डालूंगी और इसको मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे, आपके फ्लेवर के मुताबिक आप इसमें डाल दें, पिंच ऑफ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और रेड क्रश चिली, इसको मिक्स कर लें। मशरूम्स को हमने बस इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। मैंने फ्रेश मशरूम्स लिए थे तो इसके कलर जल्दी चेंज हो जाएगा। मशरूम्स हमारे रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत खूबसूरत आ गया है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। चिकन के अंदर सबसे पहले हम इसको डालेंगे मशरूम्स को, जितने इजीली आ गए। साथ हम डालेंगे चीज, ये देखिए मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ, जितनी आपकी इजीली चली जाए चीज आप उतनी फिलिंग कर दें। इसकी स्टफिंग मैंने कर ली है, अब आप इसको टूथपिक से बंद भी कर सकते हैं इजीली, ताकि ये ओपन ना हो, इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। फ्राइंग पैन में हम 1 टीस्पून ऑयल लेंगे और साथ ही ये जो चिकन हमारा था वो रख देंगे। अब मैं चिकन को टर्न करने लगी हूँ। चिकन हमारा रेडी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसकी व्हाइट सॉस तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने बटर लिया, थोड़ा सा मैंने पहले ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने बटर डाला है। ऑयल को जल्दी से गर्म होने के बाद बटर को मेल्ट कर लेंगे। बटर हमारा मेल्ट हो गया, मैं इसके अंदर डाल दूंगी मशरूम। अब इसके अंदर 1 टीस्पून गार्लिक जाएगा, तो जल्दी से हम मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैदा, इसको हीट से दूर करके हम भून लेंगे। अब इसमें आएगा दूध थोड़ा सा। अब मैं इसके अंदर पिंच ऑफ रेड पेपर डालूंगी, सॉल्ट, ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और इसके साथ डालेगा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ओरिगैनो और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में जो रह गया हमारा वो है मोजरेला चीज और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर जो हमारा चिकन था रेडी किया हुआ वो डालूंगे।
और इसको हम 3 to 5 minutes के लिए पकाएंगे बस। हमारी डिश रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आइए मैं अब आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, चिकन ऑलमोस्ट कुक है और बहुत अच्छा चीज़ी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी रेसिपीज़ टाइमली आपको मिल सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।